नमस्कार मित्रों, अनुवृत्ति ज्योतिष केंद्र हस्तरेखा पार्ट 115 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एजिंग बता रहा हूँ। एजिंग बेसिकली भाग्य रेखा की, ठीक है? तो सबसे पहले आप भाग्य रेखा पे एजिंग आप समझ लें कैसे होगी। एजिंग भाग्य रेखा पे ही बता देता हूँ, जीवन रेखा पे भी समझा देता हूँ, और इसके अलावा हृदय और मस्तिष्क रेखा पे भी आप समझ लीजिए कैसे होगी, ठीक? सबसे पहले जो हमारी जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होगी। गुरु और अंगूठे के बीच का जो क्षेत्र है वो यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो छोटी हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी तो वो गुरु शुक्र के क्षेत्र को भी कम घेरेगी, मतलब अच्छी रेखा नहीं होती। ये रेखा बीचों बीच स्टार्ट होती है, और ये रेखा अगर ये आपका जो मस्तिष्क रेखा इससे जुड़ी है तो मतलब परिवार को बहुत दूर तक लेके चलने वाला, बहुत दूर तक जुड़ी। और अगर ये तीनों हृदय मस्तिष्क तीनों जुड़ी है तो खराब रेखा होती है, अच्छा नहीं माना जाता, दुर्भाग्य का सूचक होती है। सबसे पहले जीवन रेखा की एजिंग, यहाँ से आपका 0, 0 के बाद 10, 25, 50, 75, 100, मणिबंध से फिर पीछे की ओर अगर रेखा निकल के अंगूठे तक चढ़ जाए, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट अगर ऐसी जाए तो 120, 140, 160, 180, बहुत ही असंभव है ऐसी रेखा मिलना, बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब अरबों में भी एक हो तो मैं नहीं कह सकता, 120, 125, 140, बहुत बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस 150 तक जाती हो। ये रेखा जितनी सुंदर, जितनी स्पष्ट, जितने कट्स कम लिए हुए उतनी अच्छी होगी, उस हिसाब से एजिंग होगी। मैं आपको कभी भी बता देता हूँ, रेखाओं पर इस तरह के कट अच्छे नहीं होते। इस तरह के अगर रेखाएँ हैं तो अच्छा है, अगर नीचे की ओर रेखा है तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखें, चाहे वो जीवन रेखा, हृदय रेखा, बुध रेखा, कोई भी रेखा। अब हम बात करें बेसिकली कौन सी, ये हमारा जो भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा की एजिंग मणिबंध से करिए। इसको लीजिए 0 से 80 पूरा लिख लीजिए, 0 से 70 लिखिए, तो 10, 20, 30, जहाँ पर पहले ब्रेन रेखा से मिले तो 30 साल, इसके बाद ब्रेन और जो आपकी जो ब्रेन मस्तिष्क और हृदय रेखा उसके बीच का समय 30 से 40 साल, इसके बाद ये 40 से ये जो साल है, ये जो शनि की जड़ है, यहाँ तक ये 80 साल, ठीक है? तो इस तरह से इस एज की पूरी आपको क्या करना है, इस रेखा की एजिंग करनी है, ठीक है? कैसे, समझ गए? अगर यहाँ पर कोई घटना है तो ये आप मान के चलिए ये हो गई 10 साल, अगर हम मैं इसको ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर पहले 30, तो ये इसका 30 साल का पीरियड, इसके बीच में अगर कोई घटना, यहाँ पर यव है, यहाँ पर तिल है, कुछ भी है, तो वो एज से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ इस एज पर यहाँ आ रही तो हमारी इस एज पर ये इफेक्ट इस एज पर आएगा, ठीक है? यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ब्रेन रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा पे आप देखिए यहाँ पर 30 है, इसके पहले का समय ये 0 से आप कैलकुलेट करिए आखिरी तक। ये आपका हृदय रेखा है, हृदय रेखा का यहाँ से ये भी वही का वही यहाँ पर 40 हो जाती है, फिर इसके बाद जहाँ तक जा रही है उस हिसाब से उसकी एजिंग होती है, ठीक है? तो ये एजिंग है हस्तरेखा पर ब्रेन की, इसके अलावा मस्तिष्क की, इसके अलावा जीवन रेखा, और जो आपकी भाग्य रेखा, मेनली भाग्य रेखा पे देखते हैं कि भाग्य रेखा पर हमें किस किस एज में दिक्कतें आ सकती है और कैसे हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा रेखाएं मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठिका, अनामिका, ये 4 उंगलियाँ हैं। ये आपके पूरी उंगलियों में, ये आपका बुध का, ये आपका गुरु का पर्वत, ये आपका शनि का पर्वत, ये आपका सूर्य का पर्वत, और ये आपका बुध, ये इस तरह से होंगे। अभी आप, अब हम इसके बाद सीधा पर्वतों पर ही जा रहे हैं। ये ऐसा, ये ऐसे पर्वत होंगे सारे, ठीक है? तो इनको आपको इस तरह से देखना है। ये आपका चंद्र पर्वत, ये आपका मंगल, उच्च मंगल, निम्न मंगल, मध्य मंगल, ये आपका शुक्र का क्षेत्र है पूरा, ये आपका मंगल का क्षेत्र यहाँ तक पूरा, ठीक है? इसके अलावा सेंटर में राहु का क्षेत्र, और ये आपका केतु का क्षेत्र। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम सीधा पर्वत पर ही, पर्वतों पर ही जाने वाले हैं। तो ये थी एजिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अनुवृत्ति ज्योतिष केंद्र पे जो व्हाट्सएप का नंबर है 9691965634 है, कोई समस्या है इससे रिलेटेड, एजिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार। अब हम पर्वत पर जाएंगे अगली सीरीज में।